हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया हुआ आपको 10, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ 10, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। तो मैंने आपको जनरल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसको आप ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो अब फर्स्ट टर्म क्या आपकी 10 प्लस में, अब एन को किस में रिप्लेस कर दीजिए, 1 में। फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है तो एक बार एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 4। तो ये हो जाएगा 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0 इंटू 10, तो 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 ही होगा, तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। टी टू 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में 10, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू में 10 10 होगा, 10 प्लस 10 20। टी थ्री 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में 10, 10 प्लस 3 में से 1 लेस करेंगे 2, 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। टी फोर इज इक्वल टू 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में 10 इज इक्वल टू 10 प्लस, तो 4 में से 1 लेस करोगे 3, 3 इंटू में 10 क्या हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए आपका है माइनस 2 और डी आपके पास है 0। तो फर्स्ट टर्म है माइनस 2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो सेम फॉर्मूला टी एन या फिर ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए वन क्या यूज़ करेंगे, माइनस 2 और डी क्या होगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो सभी टर्म्स क्या आएंगे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएंगे आपके। थर्ड पार्ट है आपके पास, ए वन दिया हुआ 4 और डी दिया हुआ माइनस 3। फॉर्मूला सेम एज इट इज़, आपका क्या हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी भी लिख सकते हैं आप। तो ए की वैल्यू 4, डी की माइनस 3। तो टी वन निकालना है तो एन को रिप्लेस करेंगे 1 में, और ए वन की वैल्यू क्या 4, तो 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू में डी, डी क्या माइनस 3, तो 4 प्लस 0 इंटू माइनस 3 क्या होगा 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब टी टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे टी थ्री 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे टी 4, तो एन की वैल्यू 4 में रिप्लेस हो जाएगी, माइनस 5 हो जाएगी। तो फर्स्ट फोर टर्म्स हो जाएगी 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5। फोर्थ पार्ट है, ए वन की वैल्यू आपके पास माइनस 1, डी की है 1 बाई 2, सेम एज इट इज़ होगा। टी वन इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 बाई 2 0, तो क्या आएगा माइनस 1। टी टू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 बाई 2, तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2। तो ये एलसीएम लेंगे 2, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। टी थ्री फिर ऐसे ही टी फोर निकाल देंगे, ये फर्स्ट फोर कम हो जाएंगे इसके। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू माइनस 1.25 और डी की वैल्यू माइनस 0.25, सेम वही फॉर्मूला। एन की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस 1.25 माइनस 1.50, क्योंकि 1 इंटू में माइनस 0.25 क्या होगा माइनस के 0.25, तो ये माइनस 0.25 प्लस और माइनस के 1.25 क्या होगा माइनस के 1.50। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, तो फर्स्ट फोर टर्म्स होंगे। थर्ड वन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट वाले में देखिए, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी 3, तो ए वन क्या होगा 3 और डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा माइनस के 2। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस 2। ऐसे इस टर्म में फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 5 यानी माइनस 1 प्लस 5 यानी कि आएगा 4। तो डी हो जाएगा 4 और आपका ए वन हो जाएगा माइनस 5। टी वन यानी ए वन भी लिख सकते हैं या फिर ए थ्री हो गया,
अभी मैंने आपको बता दिया टी टू माइनस टी वन माइनस टू आ रहा है, टी फोर माइनस टी थ्री भी माइनस टू, तो डी क्या होगा माइनस टू। ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, वन बाई थ्री कोमा फाइव बाई थ्री कोमा नाइन बाई थ्री कोमा थर्टीन बाई थ्री कोमा अप टू सोन। तो टी वन फर्स्ट टर्म क्या होगी, वन बाई थ्री, टी टू क्या होगा फाइव बाई थ्री है इसमें, टी थ्री फाइव नाइन बाई थ्री और टी फोर थर्टीन बाई थ्री। तो टी टू माइनस टी वन क्या है, फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन भी लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन क्या है फोर बाई थ्री, ऐसे टी फोर माइनस टी थ्री या ए फोर माइनस ए थ्री भी क्या है फोर बाई थ्री, डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री, तो होगा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी वन बाई थ्री हो जाएगी। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या होगी जीरो पॉइंट सिक्स, क्योंकि पहले पे जीरो पॉइंट सिक्स है, और डी क्या हो जाएगा वन पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स, तो ये आ जाएगा आपका वन पॉइंट वन, और आप टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट सेवन निकालेंगे तब भी वन पॉइंट वन आएगा, और थ्री पॉइंट नाइन माइनस टू पॉइंट एट निकालेंगे तब भी वन पॉइंट वन आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा वन पॉइंट वन, क्योंकि प्रत्येक में आंसर क्या आ रहा है वन पॉइंट वन आ रहा था, फर्स्ट टर्म जीरो पॉइंट सिक्स और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा वन पॉइंट वन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज इफ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। आपको बताने इनमें से कौन सी टर्म्स ए पी में है, अगर ये ए पी में तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये सभी देखिए, फर्स्ट पार्ट है टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स एट कॉमा सिक्सटीन, तो फर्स्ट टर्म होगी आपकी टू, सेकेंड टर्म्स होगी आपकी फोर, फोर माइनस टू क्या होगा टू, एट माइनस फोर क्या होगा फोर, तो इट मीन्स ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, सो द गिवन टर्म्स आर नॉट इन ए पी, इसलिए देखिए टर्म्स ए पी में नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप ए टू माइनस ए वन और ये टी फोर माइनस टी थ्री इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ए पी में नहीं है। सेकेंड पार्ट है टू कॉमा फाइव बाई टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन बाई टू, तो फर्स्ट टर्म होगी टू, सेकेंड टर्म्स होगी फाइव बाई टू, थर्ड टर्म्स होगी थ्री और फोर्थ टर्म होगी सेवन बाई टू। टी टू माइनस टी वन फाइव बाई टू माइनस टू क्या आ जाएगा फाइव माइनस फोर बाई टू यानी वन बाई टू, टी थ्री माइनस टी टू थ्री माइनस फाइव बाई टू, सिक्स माइनस फाइव यानी वन बाई टू, तो डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं इसमें, तो इट मीन्स ये किसमें होगा ए पी में, तो हम क्या कहेंगे डी इज इक्वल टू वन बाई टू द गिवन टर्म्स फॉर्म एन ए पी, और फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने तो टी फाइव टी सिक्स और टी सेवन और निकाल देंगे हम इसमें, तो टी फाइव निकालने के लिए टी फोर प्लस में जो कॉमन डिफरेंस आए वो भी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी, और ए सिक्स हो जाएगा आपका ए फाइव प्लस डी। अब ए फोर आपके पास क्या था सेवन बाई टू, तो सेवन बाई टू प्लस डी क्या कॉमन डिफरेंस वन बाई टू, तो एट बाई टू क्या होगा फोर, ऐसे टी सिक्स आ जाएगा, या फिर ए सिक्स भी बोल सकते हैं, ऐसे टी सेवन या फिर ए सेवन भी निकाल सकते हैं, तो ये नेक्स्ट टर्म्स आ गए, क्योंकि टी सेवन हो जाएगा आपका टी सिक्स प्लस वन बाई टू, टी सिक्स आया आपका नाइन बाई टू, तो नाइन बाई टू प्लस वन बाई टू क्या होगा फाइव आ जाएगा। थर्ड वन है माइनस वन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू, अब इसमें भी टी टू माइनस टी वन माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस माइनस वन पॉइंट टू, तो माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन पॉइंट टू, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस के टू आ जाएगा, तो माइनस टू आ गया आपका। ऐसे टी थ्री माइनस टी टू आ जाएगा, ये भी माइनस टू, ये सभी क्या आ जाएंगे माइनस टू आ जाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आ जाएगा आपका माइनस टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट फोर टर्म्स फिर से निकाल दीजिए, टी फाइव टी फोर प्लस टी डी आ जाएगा, और टी टी सिक्स क्या आएगा टी फाइव प्लस डी, और टी सेवन टी सिक्स प्लस डी, डी है माइनस टू और टी फोर क्या आपके पास माइनस सेवन पॉइंट टू प्लस माइनस टू क्या होगा माइनस नाइन पॉइंट टू, फिर माइनस नाइन पॉइंट टू प्लस माइनस टू यानी माइनस के इलेवन पॉइंट टू, ये आप इलेवन पॉइंट टू ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसे हम फोर्थ पार्ट कर देंगे, इसमें भी देखिए डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं, तो ये किस में हो जाएगा ए पी में हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए टी फाइव टी फोर प्लस फोर यानी कि टू प्लस फोर क्या हो जाएगा सिक्स, ऐसे ही सिक्स प्लस फोर क्या हो जाएगा टेन, टेन प्लस फोर क्या हो जाएगा फोर्टीन, नेक्स्ट फोर टर्म्स होंगे। फिफ्थ पार्ट है वी हैव थ्री कॉमा थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू, अब टी टू माइनस टी वन करेंगे, थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, रूट टू रह जाएगा, टी थ्री माइनस टी टू थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, थ्री से थ्री कैंसिल, टू रूट टू में से रूट टू लेस करेंगे तो रूट टू आ जाएगा,
ऐसे टी फोर माइनस थ्री टी थ्री भी रूट टू आ गया और टी टू माइनस ये सब इक्वल हो गए और कॉमन डिफरेंस रूट टू हो गया, तो टी फाइव क्या होगा, टी फोर प्लस रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट टू, तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर रूट टू। ऐसे नेक्स्ट में फिर रूट टू ऐड करेंगे, फाइव रूट टू हो जाएगा, ये सिक्स रूट टू हो जाएगा, नेक्स्ट फोर टर्म्स हो जाएंगे आपके। ऐसे अब सिक्स पार्ट देखिए इसका, 0.2 0.22 0.222, तो टी टू माइनस टी वन करेंगे 0.22 माइनस 0.2 इसके इक्वल होगा 0.02। अब 0.222 माइनस में 0.222 इज इक्वल टू गया हो जाएगा लेस करने पे 0.0002, तो डिफरेंसेस सेम नहीं है इसलिए एपी में नहीं होगी। सो द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। ऐसे इस वाले में देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालिए, टी टू माइनस टी वन क्या आएगा माइनस फोर, टी थ्री माइनस टी टू माइनस एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर माइनस फोर माइनस फोर, तो डी क्या आ गया माइनस फोर आ गया, तो टी फाइव क्या होगा टी फोर प्लस डी तो माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस फोर क्या होगा माइनस के सिक्सटीन, क्योंकि टी फोर्थ टर्म क्या माइनस के ट्वेल्व है। ऐसे टी सिक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस फोर यानी कि माइनस के ट्वेंटी हो जाएगा, ऐसे माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेवन्थ पार्ट है, वी हैव ये वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें भी सेम एज इट इज, टी टू माइनस टी वन माइनस वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। सभी टर्म्स ये क्या आ रही है, जीरो जीरो आ रही है, डिफरेंसेस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया जीरो। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, टी फाइव इज इक्वल टू टी फोर प्लस टी माइनस वन बाई टू प्लस जीरो क्या आ गया माइनस वन बाई टू, सभी क्या आ जाएंगे ये माइनस वन बाई टू आ जाएंगे। नाइन्थ है, वन कोमा थ्री कोमा नाइन कोमा ट्वेंटी सेवन, तो टी टू माइनस टी वन थ्री माइनस वन टू आ गया, नाइन माइनस थ्री क्या आ गया एटीन, दोनों इक्वल नहीं है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन एपी, इसलिए एपी में नहीं होंगे। टेंथ पार्ट है, ए कोमा टू ए कोमा थ्री ए कोमा फोर ए, अब टू ए माइनस ए क्या होगा, ए हो जाएगा, थ्री ए माइनस टू ए क्या होगा ए हो जाएगा, और फोर ए माइनस थ्री ए भी ए हो जाएगी, तीनों इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो इट मीन्स ये ए पी में होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए फोर ए प्लस ए क्या हो जाएगा फाइव ए, फाइव ए प्लस ए सिक्स ए, और सिक्स ए प्लस ए सेवन ए हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इलेवंथ है, वी हैव ए कोमा ए स्केयर कोमा ए क्यूब कोमा ए की पावर फोर, तो टी टू माइनस टी वन ए स्केयर माइनस ए, ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए रह जाएगा, ए के पावर फोर माइनस ए क्यूब, ए की ए क्यूब कॉमन ए माइनस वन, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इट मीन्स डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन ए पी, इसलिए दिए गए टर्म्स ए पी में नहीं होंगे। ट्वेल्थ देखिए, वी हैव रूट ऑफ टू रूट ऑफ एट, रूट एट को आप टू रूट टू लिख सकते हैं, ऐसे रूट एटीन को थ्री रूट टू लिख सकते हैं, रूट थर्टी टू को आप फोर रूट टू लिख सकते हैं। तो अब देखिए टी टू माइनस टी वन रूट एट माइनस रूट टू, टू रूट टू माइनस रूट टू क्या आएगा रूट टू, ऐसे थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, रूट टू सभी रूट टू आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो द लिस्ट ऑफ नंबर आर इन ए पी। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे इसके, रूट थर्टी थ्री प्लस रूट टू, यानी कि अब रूट थर्टी थ्री का थर्टी टू का मतलब फोर रूट टू, फोर रूट टू प्लस रूट टू क्या होगा फाइव रूट टू हो जाएगा, फाइव को अंदर लेके जाऊंगा तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू क्या हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा। ऐसे फाइव रूट टू प्लस रूट टू क्या होगा सिक्स रूट टू, सिक्स को अंदर लेके जाएंगे थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू टू क्या हो जाएगा सेवेंटी टू। ऐसे आप टी सेवन निकाल सकते हैं, तो सिक्स रूट टू प्लस रूट टू सेवन रूट टू, और सेवन को अंदर लेके जाएंगे फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन की टू से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी एट, ये नेक्स्ट टर्म सुन लेंगे इसके। ऐसे थर्टीन क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्टीन पार्ट इसका, वी हैव रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व, तो टी टू माइनस टी वन रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, रूट थ्री कॉमन लेंगे तो रूट टू माइनस वन रहेगा, रूट ट्वेल्व माइनस रूट नाइन टू रूट थ्री माइनस थ्री लिख सकते हैं, रूट थ्री कॉमन टू माइनस रूट थ्री, तो ये दोनों सेम नहीं है इसलिए ये ए पी में नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस सेम नहीं है। फोर्टीन पार्ट देखिए इसका, वन का स्केयर थ्री का स्केयर क्या होगा नाइन, नाइन माइनस वन क्या होगा एट, ऐसे ही फाइव का स्केयर क्या होगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री का स्केयर नाइन, वो किसके को आ जाएगा सिक्सटीन के। अब टी टू माइनस टी वन इज नॉट इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर किस में नहीं है, ए पी में नहीं होगी। अब लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ
15 part, we have 1 square, comma, 5 square, comma, 7 square, comma, 7 raised to power 3. तो अब 73, 1 का स्केयर क्या होगा 1, 5 का स्केयर 25, और ये 49 हो जाएगा. अब इसको आप t2 माइनस t1 कीजिए, 25 माइनस 1 क्या होगा 24, t3 माइनस t2 49 माइनस 25 24, t4 माइनस t3 73 माइनस 49 क्या आएगा 24 आ जाएगा. लिस्ट ऑफ सबका डिफरेंस सेम है इसलिए किसके को लगा 24 के, तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी, इसलिए दिया गया लिस्ट ऑफ नंबर किस में होंगे एपी में. नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए t5 t4 प्लस 24, t4 था 73, 73 प्लस 24 97, 97 प्लस 24 121, 121 प्लस 24 145. ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स. इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर. थैंक यू.